Hey guys, how's the Josh? मैं हूँ चेतन from Gaming Josh और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट दी OnePlus Nord 2. ये है OnePlus Nord 2 और इसका हमने ऑलरेडी गेमिंग रिव्यू कर दिया था विद दिस स्मूथ एक्सट्रीम HDR एक्सट्रीम का एक टेस्ट आ रहा है. बट बिफोर दैट, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट OnePlus हैज फाइनली डन इज ये लोगों ने अपने गेमिंग मोड को या गेमिंग के जो फीचर्स है उसको बढ़ा दिया है. हमने OnePlus के नंबर सीरीज में इतना अच्छा हम गेमिंग मोड को नहीं देखा था, मतलब उसमें फेनाटिक था अगर आपको याद हो तो, बट फेनाटिक मोड का उनका पार्टनरशिप के बाद निकल जाना पड़ा. अब यहाँ पे वो फेनाटिक मोड आपको नहीं मिलेगा, बट इट वुड बी रादर कॉल्ड प्रो गेमिंग मोड विच डज नॉट एक्चुअली एनहांस द गेमिंग परफॉर्मेंस, बट ऑब्वियसली वो बाकी चीज़ें बेटर करता है. और इसको आपको एनेबल करने के लिए, ये देखिए, अगर आप स्क्रीन देख रहे हो, स्क्रीन में आपको कॉर्नर राइट पे यहाँ पे या कॉर्नर लेफ्ट से ड्रैग करना पड़ेगा नीचे की तरफ, एंड दिस वुड एनेबल द गेमिंग फीचर्स. यहाँ पर आपको क्या क्या दिख रहा है, पहली बात तो टेम्परेचर दिखेगा, उसके बाद टाइम, और टाइम के अलावा बैटरी परसेंटेज, ये चीज़ें आपको टॉप बार में दिखेंगी. उसके बाद आपको व्हाट्सएप, मैसेंजर, डिस्कॉर्ड, दिस इज़ ऑल अबाउट दी ऐप्स इन द बैकग्राउंड, या ऐप्स जो आप वहाँ पे एज अ स्मॉलर शॉर्टकट खोल सकते हैं. इसमें ये ऐप्स अभी इंस्टॉल नहीं है, नहीं तो आप इसको यहीं पे खोल सकते हैं ऑन द गेम इटसेल्फ एज अ स्मॉलर स्क्रीन, ठीक है. उसके अलावा प्रो गेमिंग मोड इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. नोटिफिकेशन हेड्स अप इज ये रहा. आपको नोटिफिकेशन कैसे चाहिए, नोटिफिकेशन पूरे के पूरे ब्लॉक चाहिए, या नहीं तो टेक्स्ट ओनली चाहिए, या बुलेट स्क्रीन चाहिए, या नहीं तो हेड्स अप. हेड्स अप इज लाइक ए छोटा नोटिफिकेशन का एक बॉक्स आ जाएगा विच वुड एक्चुअली गिव यू अ क्विक जिस्ट कि क्या क्या आपके नोटिफिकेशन में है. उसके अलावा स्क्रीन रिकॉर्डर, उसके बारे में मैं सब कुछ यहाँ पर बताऊँगा. एंड नेक्स्ट स्क्रीन में जाएंगे तो ये है चीज़ें जो मुझे अच्छी लगी. बेसिकली पहली बात, यू हैव रिवाइंड रिकॉर्डिंग, दिस इज़ लाइक स्क्रीन रिकॉर्डर. ये स्क्रीन रिकॉर्डर का रिवर्स है, लास्ट के 30 सेकंड्स ये रिकॉर्ड करता है, बट दिस वुड एक्चुअली टेक अप सम ऑफ योर रिसोर्सेज गाइस. ये याद रखिए, क्योंकि काफ़ी बार हमें लगता है कि कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ लोड नहीं पड़ना चाहिए, बट इट स्टिल टेक सम ऑफ योर लोड. ये यहाँ पर आप अभी देख रहे हो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा या नहीं, नहीं दिख रहा होगा. सो बेसिकली क्या है, हाँ एक सेकेंड के लिए, यस ये नहीं दिखेगा आपको, तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूँ. दिस इज़ हाउ द आइकन वुड लुक लाइक. ये रहा एक सेंट्रल आइकन, और ये आइकन को टैप, ये रहा, रुको, ये रहा गाइस. हाँ, इस आइकन को टैप करने के बाद क्या होगा, अब वो आपको बताएगा कि यस योर वीडियो वॉज सेव्ड टू मोमेंट्स इन गेम्स, वो तो आपको दिखा, तो ये गेम्स के मोमेंट्स में जाके अपने आप ही सेव हो जाएगा. तो वो हम यहाँ से इट्स काइंड ऑफ डेथ, अगर आप याद, हाँ आपको याद हो अगर, तो BGMI में ही आपके पास एक डेथ रिप्ले का ऑप्शन रहता है, तो वो डेथ रिप्ले ये रहा. सो डेथ रिप्ले फीचर कैन ओनली बी यूज इन क्लासिक मोड एंड आर्केड मोड, देर में बी सम लैग और ओवरहीटिंग आफ्टर इट इज एक्टिवेटेड. क्यों, क्योंकि ये आपका थोड़ा सा पास्ट रिकॉर्डिंग को सेव करता है. तो सेम चीज़ जैसे रिवर्स का जो है, ये मतलब रिवाइंड रिकॉर्डिंग, वो भी वही करता है. गेम फिल्टर्स तो ये गेम में तो नहीं है, बाकी थोड़े गेम्स में गेम फिल्टर्स है, वो यहाँ पे वैसे के यूजलेस है. टच सेटिंग्स इज समथिंग दैट इज़ न्यू. अब इसके बारे में यहाँ पर हम बात करें तो टच सेंसिटिविटी, वैसे फ्रैंकली गाइस, मैंने जैसे अपने कंपैरिजन में भी बताया था कि आई लाइक द टच पार्ट ऑफ इट, इसमें कोई टच में दिक्कत है ही नहीं, सब कुछ सही चलता है. बट इफ़ यू स्टिल फील कि सेंसिटिविटी थोड़ा कम ज़्यादा है, तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो. इट इज़ सेट एट 0 एज डिफॉल्ट ऑन बोथ टच हैंडेडनेस एंड सेंसिटिविटी. ये दो चीज़ें आप बदल सकते हो. अगर आपको लग रहा हो कि यार मुझे ना और ज़्यादा टैप करना पड़ रहा है, थोड़ा ज़्यादा प्रेस करना पड़ रहा है, तो वहाँ से आप सेंसिटिविटी इसको बढ़ा दो, तो वो आपको ईजिली हेल्प करेगा आपके टच सेंसिटिविटी को ऑल्टर करने में और आपका एक्सपीरियंस ईजियर करने में, बेटर करने में. एंटी मिस टच नोटिफिकेशन, एक्सीडेंटल मिस टच ऑन द ड्रॉप डाउन मेन्यू, मतलब ये जो ऊपर से जो मेन्यू आता है ना नोटिफिकेशन वाला मेन्यू, उसमें अननेसरी का ना हो तो एंटी मिस टच नोटिफिकेशन को आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो. एंड वन प्लस या नहीं तो रियल मी या नहीं तो ओप्पो, ये सारे UIs में ना एक थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट जेस्चर होता है, जिससे आप ऐसे थी ड्रैग करो स्क्रीन पे और वो हो जाएगा स्क्रीनशॉट कैप्चर. बट गैस अगर आपको याद हो तो स्क्रीन, आप थ्री फिंगर्स तो बेसिकली बहुत बार यूज़ करते हो BGMI में फॉर योर क्लाउ मैकेनिज्म, तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो तो वो इनको मतलब कन्फ्यूजन ही ना हो, UI को कन्फ्यूजन ना हो, उसके लिए आप इसको ब्लॉक कर दो ताकि वो गेस्चर स्क्रीनशॉट वाला जो फीचर है यहाँ से वो बंद हो जाए. नेक्स्ट वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन गाइस, मॉनिटर डेटा. इसकी वजह से मुझे लगा कि OnePlus Nord 2 फाइनली हैज समथिंग विच इज़ वेरी यूजफुल. दिस इज़ दैट पार्ट. ये देखिए ऊपर एक पूरा बार आ गया है, FPS, GPU, CPU, और दिस इज़ वॉट इज़ गोइंग टू एक्चुअली हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कितना फ्रेम रेट आपको मिल रहा है. गाइस ये वैसे मैं नहीं कहूँगा कि भाई आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि बहुत लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता. इन दी एंड आपको एक अच्छा वाला परफॉर्मिंग फ़ोन चाहिए तो चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं. बट यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन तब यूज़फुल होता है जब आप कॉम्पिटिटिव खेल रहे हो और समझना चाहते हो कि अच्छा भाई इतना लैग हो रहा है ये फ़ोन,
तब ये एक्चुअली में यूज़फुल रहेगा देखने के लिए कितना फ्रेम ड्रॉप हो रहा है और उससे आप कुछ कर सकते हो या नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर आप इस पर टैप करोगे बार को तो वो छोटा कर देगा उसको, और फर्स्ट विल बी द फ्रेम रेट, सेकंड वुड बी द जीपीयू एंड थर्ड वन वुड बी द सीपीयू। ये तीन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको छोटा बड़ा कर सकते हो, इसको आप यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। तो ये ठीक है, ये एक हो गया आपको एफ पी एस दिखाने वाला। अगर आपको ये नहीं चाहिए, आई वुड पर्सनली ऑलवेज यूज़ दिस गाइस, क्योंकि मुझे ईजी लगता है देखना कभी भी एफ पी एस से, तो पता चलता है कि भाई मेरा फ़ोन परफॉर्म अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है। सो दिस इज़ वॉट यू आर गोना गेट वेन एवर यू टैप ऑन मॉनिटर डेटा। और ये फीचर गाइस बाकी गेमिंग मोड, बाकी वन प्लस फोन्स के गेमिंग मोड में अभी तक नहीं आया, होपफुली आ जाए, बट शायद तो नहीं आएगा, पता नहीं। जो भी है, अगर इसको हम बाकी फोन्स में पोर्ट कर सकते हैं यानी वो मैं ट्राई करूँगा, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात रहेगी, बट आई डोंट नो होगा या नहीं, ठीक है। उसके अलावा इसमें ये जो फीचर था प्रो गेमिंग मोड का, उस पर हम टैप करेंगे ना, ये देखिए इंट्रोड्यूसिंग प्रो गेमिंग मोड। इससे क्या होता है, गेमिंग टूल्स सारे ब्लॉक हो जाते हैं और नेविगेशन बटन्स ब्लॉक हो जाएंगे, ब्लॉक क्विक सेटिंग्स और गेमिंग टूल्स, मतलब जो ये नोटिफिकेशन, ये जो पूरा एरिया था ना गेमिंग फीचर्स का, वो क्विक सेटिंग्स सारे ब्लॉक हो जाएंगे, नोटिफिकेशन ब्लॉक हो जाएंगे, कॉल्स ब्लॉक हो जाएंगे, सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा स्टार्ट करने पर। अब गाइस आपके सामने मैं कुछ भी ट्रैक करूँ, फिंगर ऊपर से, ये देखिए ये नोटिफिकेशन वाला फिंगर ट्रैक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। नेविगेशन बटन्स के लिए ये यहाँ से मैं स्वाइप किया स्क्रीन के ऊपर होगा स्वाइप, बट फ्रॉम द साइड ही आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे ट्रैक करने से कुछ नहीं हो रहा, और ऊपर से ट्रैक करने पे भी नोटिफिकेशन पैनल नहीं हो रहा है ट्रैक, बिकॉज प्रो गेमिंग मोड डज दैट। अब ऊपर से मैं कॉर्नर से ट्रैक करूंगा ना, तभी आएगा एग्जिट प्रो गेमिंग मोड। इसको एग्जिट दबाने के बाद जो मैं करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ इजीली, नोटिफिकेशन पैनल ट्रैक हो जाएगा। उसके अलावा मैं चाहूँ तो ये यहाँ पर लेफ्ट साइड देखिए नेविगेशन बटन्स आ चुके हैं। सो दिस हैपन्स व्हेन यू एक्चुअली आर टर्निंग ऑन दी प्रो गेमिंग मोड। ये अच्छी बात है, ये आपको गेम में पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन देगा, बाकी कुछ करने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट प्रो गेमिंग मोड। ये सारे फीचर्स है अंडर द गेमिंग टूल्स ऑफ दी वन प्लस नॉट टू। और गाइज अच्छी बात है, मतलब कोई भी फ़ोन हो गेमिंग के लिए बना हो ना हो, एटलीस्ट उसमें गेमिंग फीचर्स थोड़े होने चाहिए, दैट्स वॉट वन प्लस इज ऑफरिंग हियर। अब गाइज इसके अलावा इंटरफेस में जाओगे तो आपको एक गेम्स नाम का एक ऐप मिलेगा। गेम्स के अंदर क्या है ना, आपके एक्सपीरियंस के लिए सब कुछ दिया गया है। एक्सप्लोर में जाओगे तो आपको अलग अलग गेम्स के बारे में उसके टिप्स वीडियो सब कुछ मिलेगा, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज दिस पार्ट, माई गेम्स में आपको पूरा का पूरा एक इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। इसमें बस ये एक दिक्कत है, लेट मी ऑल्सो ट्राई टू ऑटो रोटेट दिस एंड सी, नहीं इससे कुछ होने वाला नहीं है, तो आपको जैसे दिख रहा है वैसे देखना पड़ेगा। यू हैव स्टैटिस्टिक्स गाइस, पहली बात कितना गेम टाइम आप दे रहे हो, मतलब डेली कितना यूज़ कर रहे हो, क्या आप अगर कैजुअल गेमर हो तो आपको इतना यूज़ करना चाहिए, आपको उससे समझदारी मतलब समझना चाहिए। ये देखो गाइस जैसे मैं बोलता हूँ ना, मतलब आई डोंट लाई अबाउट इट, मैंने एक्चुअली ये फ़ोन को देखो 2.5-3 घंटा 0.2 आवर्स, देन 6 घंटे 3 घंटे, फिर 5 घंटे के आसपास, फिर 1 घंटा आज, इतना मैं हर फ़ोन पे खेलते ही रहता हूँ। तो वो यहाँ पर आप देखिए टोटल ऑफ 20.5 आवर्स, जैसे मैंने अपने कंपैरिजन में बताया था सी, तो उतना मैं खेलता हूँ ताकि टेस्ट कर पाएँ हम सब कुछ आपको बता पाएँ। तो गेम स्टैटिस्टिक्स में ये आपको मिलेगा, और इसके अंदर भी अगर आप BGMI में जाओगे तो यहाँ पर प्रो गेमिंग ऑलवेज, मतलब इसको आप सेट कर सकते हो कि प्रो गेमिंग ऑलवेज मोड में होना चाहिए, ये गेम स्टार्ट होती है प्रो गेमिंग मोड एक्टिवेट हो जाना चाहिए। अब सेटिंग्स में देखिए, यू हैव डिफरेंट सेटिंग्स, आंसर कॉल्स वाया स्पीकर, जब भी आप गेम खेल रहे हो तो ये वाला सीधा स्पीकर से आपको आंसर करना पड़ेगा, दैट मतलब करना पड़ेगा नहीं, आपके लिए ईजी रहेगा स्पीकर से अगर आप आंसर करोगे तो। वो एक यहाँ पर है हैप्टिक फीडबैक एनहैंसमेंट, मतलब जो इसका ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस होता है ना, थोड़ा ऐसा लगता है कि वाइब्रेशन हो रहा है जब भी कोई फायरिंग हो, वो एनहैंस हो जाएगा अगर आप इसको टैप करोगे तो। इंटेलिजेंट नेटवर्क मैनेजर इस, मतलब दोनों, अगर दोनों पे वो देखते रहेगा कि अगर वाईफाई पे या डेटा पे किस पे आपको बेटर पिंग मिल रहा है, बेटर कनेक्टिविटी मिल रहा है, उसको वो वहाँ पर टैप मतलब एक्टिवेट कर देगा, जो भी बेटर रहेगा अगर आप इसके इंटेलिजेंट नेटवर्क मैनेजमेंट को ऑन कर रहे हो। देन यू हैव लाइटिंग स्टार्ट, इससे क्या होता है ना, ये गेम को पीछे की तरफ रैम में स्टोर करके रखता है ताकि जब भी आप वापस इस गेम पे आ रहे हो ना तो गेम पूरा रिस्टार्ट ना हो, तो वो यहाँ पर आप लाइटिंग स्टार्ट को एनेबल कर सकते हैं। तो ये क्या है, दिक्कत यही है इसका कि अभी के लिए नहीं, अभी के लिए तो हाँ कंफर्म कर रहे हैं, मैं डिसेबल कर देता हूँ। ये तब काम आता है जब आप एक गेमर हो और बार बार उसी गेम में आप जा रहे हो, तो हर बार ये नहीं चाहते कि वो 20 से 30 सेकंड वेस्ट हो जाए आपके गेम को स्टार्ट होने में, तो यहाँ पर आप लाइटिंग स्टार्ट को भी एनेबल कर सकते हो। देन यू हैव दिस प्रो गेमिंग मोड जिसका मैंने पहले भी बताया, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। गेम फिल्टर्स, तो ये रहा गेम फिल्टर्स HDR एंड ऑल, ये इस मतलब गेम फिल्टर सिर्फ पबजी मोबाइल में, BGMI में नहीं है, होपफुली आगे जाके आ जाए, बट अभी के लिए इट्स नॉट देयर ऑन BGMI। तो बस ये सारे टूल फीचर्स थे गाइज यहाँ पर। अब वापस हम गेम में आते हैं और आपको बता देते हैं कि यस दिस वॉज इट गाइज। जैसे आपने देखा दिस इज़ ऑन ऑब्वियसली BGMI राइट नाउ, वो जो गेम फिल्टर्स है वो BGMI में नहीं है, तो आगे जाके आएगा नहीं आएगा, बट दिस वॉज माई फेवरेट पार्ट ऑफ इट। इट वॉज ऑल अबाउट
the FPS monitor on this one, which was enabled. Hopefully, बाकी फोन्स में मिनिमल हो जाए. काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये कैसे enable करूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये लगता है कि मैं जब खेल रहा हूँ खेलते वक्त मुझे भी इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए, तो वो बात यहाँ पर आपको पता चल जाएगी अगर आप ये गेम मॉनिटर को, मतलब मॉनिटर टूल्स, मॉनिटर डेटा को एक्टिवेट करते हो. एंड गाइस दैट्स इट. अब ट्राई करेंगे इसको हम अलग फोन्स में भी एक बार यूज़ करने का नहीं, एटलीस्ट ट्राई करना है मेरे को कि ये गेमिंग टूल्स दूसरे फोन्स में कैसे आएगा. अगर नहीं आया तो ऑब्वियसली आई डोंट नो, बट आएगा तो पक्का मैं बताऊंगा कि कैसे हुआ क्या हुआ. बट नीचे आप सब्सक्राइबर काउंट देख रहे हो गाइस, 76,700 अभी हिट किया हमने, और मैं आपसे ये जितना हो सके सब्सक्राइबर काउंट को हर वीडियो में लगा के रखूँगा ताकि मुझे पता चले कितना प्रोग्रेस हमने किया है आगे के थोड़े मंथ्स में. जब हम वापस आएंगे देखेंगे 3 महीने पहले का ये वीडियो था, तो 3 महीने में हमने इतने सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं. तो आई होप आप अगर यहाँ पर पहली बार आया तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एज वेल. और गाइस दैट्स इट इस वीडियो में. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे. अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना भूले, शेयर करना भूले, सब्सक्राइब कीजिए गेमिंग जोश को. कीप द जोश हाई. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.